मूवमेंट एंड मसल मूवमेंट परफॉर्म होंगे दे आर मोर लाइकली टू अकर इन द नेक्स्ट ट्रायल वायल अ सिंगल री एनफोर्समेंट में नॉट गारंटी द इमीडिएट रेकर ओवर टाइम रिपीटेड री इन्फोर्समेंट सिंगल री इन्फोर्समेंट में तो नहीं गारंटी होगा लेकिन रिपीटेड री इन्फोर्समेंट से जो है एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड इट विल मेक मोर लाइकली टू हैपन एंड बी फर्दर री इनफोर्स्ड ऐसे ही स्कैनर ने एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था फेमस सुपरस्टिशियस एक्सपेरिमेंट पिजन्स के साथ जो उन्होंने किया था जिसको एक्सीडेंटल लर्निंग भी बोलते हैं सो so, पिजन्स ने यहाँ पर डिस्टिंक्ट बिहेवियर को डेवलप किया दैट अक्ड बिटवीन द फूस प्रेजेंटेशन इवन दो नो स्पेसिफिक बिहेवियर वॉज रिक्वायर्ड फॉर द री इन्फोर्समेंट सो बेसिकली पिजन्स ने भी एक डिस्टिंक्ट बिहेवियर को लर्न किया जो अक्कर होता था फूड प्रेजेंटेशन से पहले इवन दो दैट स्पेसिफिक बिहेवियर वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रीफोर्समेंट दिस फिनन वॉज एक्सप्लेन बाई द आइडिया की वट एवर बिहेवियर हैिफोर द रीनफोर्समेंट वो स्ट्रेंथन जो भी बिहेवियर जस्ट बिफोर द रीनफोर्समेंट दिया जाएगा वो स्ट्रेंथन होता है लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस सुपरस्टिशियस बिहेवियर एंड देन दैट सुपरस्टिशियस बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है फॉर एक्जाम्पल इन बोथ द कैट एंड पिजन एक्सपेरिमेंट्स यहाँ कैट और पिजन दोनों एक्सपेरिमेंट में एक्सीडेंटल स्ट्रेंथनिंग हुई है सो इट परपेचुएटेड इथ सेल्फ बिहेवियर दैट व री इन्फोर्स वन वोर लाइकली टू हैपन अगेन एक साइकिल ऑफ़ री एनफोर्समेंट एंड बिहेवियरल रेपिटेश दिस हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग ऑफ री एनफोर्समेंट इंड शेपिंग बिहेवियर जी ये स्टैडन और सिमिल हैग थे इन्होंने जो ये सुपरस्टिशियस बिहेवियर या एनालिस ऑफ स्किनर ने जो किया था इसको चेंज करके उन्होंने ये बोला बेसिकली कुछ बिहेवियर कैटेगराइज कर सकते हैं सुपरस्टिशियस जो उन्होंने बोला वो मे बी इंटेरिम बिहेवियर्स होंगे राधर दैन एक्सीडेंटलीस्पांसिस इंटेरिम बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं दोज वर देट वर फ्रीकेंट इन द अर्ली पार्ट ऑफ द इंटरवल जो एक जो टाइम है टाइम इंटरवल के अर्ली पार्ट में होते हैं जैसे वंदर री इनफोर्समेंट री इनफोर्स लेकिन थोड़े टाइम अवे था तो जैसे पैक कर रहा है वो टूवर्ड्स द फ्लोर पिजन जो पैक कर रहा है टूवर्ड्स द फ्लोर टर्न कर रहा है मूव कर रहा है अलॉन्ग द फ्रंट वॉल ऑफ द चैम्बर तो ये सारे इंटरिम बिहेवियर्स हैं टर्मिनल बिहेवियर होते हैं जो कि जो कि कब आकर होते हैं द री इन्फोर्समेंट इज़ अबाउट टू हैपन उसके आसपास राइट right? जैसे बिहेवियर्स दैट अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अर्ली इन द इंटरवल बट आर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एट द टाइम ऑफ फूड डिलीवरी जैसे जैसे वो फूड डिलीवरी का टाइम आ गया अप्रोच हो, होने लगा तो वो बिहेवियर शो किया जाएगा टर्मिनल बिहेवियर जिसको कहा उसने ठीक uh, है जो कि है ओरिएंटिंग टूवर्ड द फ़ूड मैगज़ीन फर्स्ट ऑफ ऑल उस फूड मैगज़ीन की तरफ जाना ओरिएंटिंग टूवर्ड द फ़ूड मैगज़ीन और पैकिंग इन द वसिनिटी ऑफ द मैगजीन उस मैगजीन के वसिनिटी में पैक करना ठीक है तो ओरिएंटिंग टूवर्ड्ज इट एंड देन पैकिंग एफ द मैगजीन ये दो बिहेवियर हैं ठीक है ये क्या है टर्मिनल बिहेवियर तो स्टैंड सिमिल हैगने क्या कहा स्किनर ने जो ये सुपरस्टिशन बो, बिहेवियर बोला है ये बेसिकली इन बिहेवियर्स हैं जो कि इन होते हैं रादर देन एक्सीडेंटली री एनफोर्स रिस्पॉन्स ठीक है जैसे आप पिजन्स के केस में फ्लोर पे ही पैक करना टर्निंग एंड मूविंग अलॉन्ग द फ्रंट वॉल ऑफ द चैम्बर सो या स्टेडन एंड सिमल हैग ने आगे कहा सिमल हैग ने आगे कहा स्टैडन एंड सिमल हैग ने कहा कि अनालिसिस रेस्क नेचर ऑफ री के बारे में कोई क्लियर Uh, वो नहीं दिया मतलब ऐसे बताया नहीं इस पर क्वेश्चन रेज किया उन्होंने जब अपोज दैट री इन्फोर्समेंट डिपेंड करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड री इन्फोर्समेंट तो उन्होंने कहीं ना कहीं कमियाँ निकाली बेसिकली स्किनर के काम पर और उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटल बिहेवियर तो बेसिकली इंटेरिम बिहेवियर है इन इंटेरिम बिहेवियर है ठीक है शेपिंग की हम पहले भी बात कर चुके हैं इट्स अ टेक्निक जिससे बेसिकली एक बिहेवियर को ग्रेजुअली डेवलप किया जाता है ठीक है शेपिंग इनवॉल्व री इनफोर्सिंग बिहेवियर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के थ्रू एक टारगेट बिहेवियर तक ले जाने के लिए छोटे छोटे बिहेवियर्स को री इन्फोर्स किया जाता है क्लोजर क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन टू द टारगेट बिहेवियर्स आर री इनफोर्स बेसिकली किसी एक बड़े से बिहेवियर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को uh, मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उस बिहेवियर को परफॉर्म किया जाता है ठीक है मतलब स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स पे ही